सिंगरौली जिले के बंधाकौल ब्लॉक के EMIL माइनिंग के लिए अधिकृत किए जा रहे गांवों के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के बाद अधिग्रहण के लिए आज तेंदुहा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में अतिरिक्त कलेक्टर BP पांडे, SDM संपदा सराफ, ATM विकास सिंह सहित स्थानीय व्यक्तियों श्याम कार्तिक दुबे, विश्वास तिवारी, छोटे सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस जनसुनवाई में कांग्रेसी नेता व विस्थापित नेता दरोगा पाठक ने कहा कि जब तक TSDC कंपनी के लिए पेंडरवाह में अधिकृत किए जा रहे कंपनी का मामला नहीं सुलझाया जाता तब तक हम लोग इस दूसरी कंपनी के लिए अधिग्रहण किए जा रहे जनसुनवाई में सहमत नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अपना संबोधन दिया। दरोगा पाठक का कहना था कि इस कंपनी क्षेत्र के विस्थापितों की संख्या लगभग 6,000 है। इनके लिए विस्थापन, नौकरी, बुजुर्गों के लिए भत्ता सहित जो भी हमारी मांगे हैं उनको जब तक कंपनी लिखित में नहीं देती तब तक हम लोग इस जनसुनवाई में सहमत नहीं है। इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जनसुनवाई पर SDM संपदा सराफ ने कहा कि आपकी मांगों को संकलित कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, आप लोगों को सूचित किया जाएगा। SDM विकास सिंह ने भी विस्थापितों के बीच कहा कि आपकी समस्याओं से आज की जनसुनवाई में अवगत हुआ और आपकी मांगों के संबंध में नियमानुसार विचार किया जाएगा। की धारा 5 के तहत जो सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट जो दल ने सबमिट की थी उसके संबंध में आज यहाँ तेंदुआ ग्राम पंचायत में जनसुनवाई थी। यहाँ पर ग्रामवासियों ने ग्राम सभा में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें इस रिपोर्ट से संबंधित कई डिमांड्स हैं। कुछ रोजगार से संबंधित है, कुछ से संबंधित है, कुछ भूमि के उपकर से संबंधित है। तो उसमें जो संभावित होगा ये आपत्तियाँ हमने सभी लिखित में दर्ज करा ली हैं। इसमें दल पुनः परीक्षण करके एक्सपर्ट कमेटी को सबमिट करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो गुवर्जन की जब धारा 16 में निर्धारण होगा तब वहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। तो इनकी सभी मांगों को हम विचार में लेते हुए जैसा जब संभव होगा उसको हम मतलब कथनी करनी मानता। सिंगरौली जिले में का इतिहास है कि 2015 से यहाँ विस्थापितों के साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते हैं कि कोई भी कोल ब्लॉक में जनता संतुष्ट नहीं है। प्रशासन के पास लगता है कि हमारे मांग पत्र का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए जल्दी से मीटिंग स्थगित करके लोग चले गए। अब ये जब लोग जवाब तैयार करेंगे, जवाब हमें प्रस्तुत करेंगे, तब हम लोग सहमत या असहमत पर विचार करेंगे। जैसा प्रशासन ने कहा कि धारा 16 में इसका निर्धारण होगा, जो आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसका धारा 16 में निर्धारण। माननीय, एक कॉपी आपको हमने दिया है, उस कॉपी में 1% प्रावधानों को भी मैंने उल्लेख किया है। माननीय, उसका अवलोकन कर लें। यदि 1% प्रावधान में वो व्यवस्था है उसकी मैंने कॉपी लगाया है, उस कॉपी को अवलोकित कर लें। हमने कोई भी मांग उस 1% के बाहर नहीं की है, ये बताने की बात, गुमराह करने की बात अलग है। 1% में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी चीजों का स्पष्ट उल्लेख करने के बाद ही ग्राम सभा अपना NOC जारी करेगी और 80% NOC के बाद ही कोई कोल ब्लॉक कहीं लग सकता है। जब तक हमें उन उत्तरों उत्तर नहीं मिलेगा हम लोग सहमत देने के लिए मजबूर हैं।